होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। ये प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। ये त्यौहार कई अन्य देशों जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होला का नाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। होली के त्योहार की सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उसका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु भक्त प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकले। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वे आग में नहीं जलेगी। होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का ये वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होलिका पर्व मनाते हैं। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कथा से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा रानी और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। एक और मान्यता के अनुसार राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप कर उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ता गया क्योंकि उसको मारना असंभव था, लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथ्वी ने ढूंढे के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी ना गर्मी, सभी बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे, ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करे, जोर जोर से हंसे, गाय चिल्लाए और शोर करे, तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देख कर अग्नि के समीप आई तो बच्चों के एक समूह ने नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा, धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इस परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। रंग और पानी के साथ होली का उत्सव बसंत के रंगीन खिलने और प्रकृति में जीवन के नवनिकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये अब एक विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।